कल रात को हमारे यहाँ पर खीर भवानी के लिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे थे और उनके खाने के और रुकने के इंतज़ाम हुए थे, जिसमें कि मौसम की वजह से हमारे यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ थी जिसमें कि लोगों को टेंटों के अंदर पानी आया। वो व्यवस्थाओं के बारे में हम लोग को यहाँ से अवगत करा दिया गया। हम लोग की भी मीटिंग हुई है सबके साथ में, और इनमें से भी हमारे बीच में वॉलंटियर्स आए हैं और उन सभी लोग वो सभी लोग मिलकर यहाँ पर अब इस पूरी व्यवस्था को और सुचारू रूप से चलाने के पूरे प्रयास करेंगे इसमें यहाँ पर। और मैं सभी लोगों को आज अष्टमी की बधाई भी देना चाहता हूँ, तो बधाइयाँ देता हूँ, और हमारे लंगर सर्विस वाले हैं वो लोग भी सभी लोगों को यहाँ पर सारी सुविधाएँ प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें, और भी किसी तरह की कोई भी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पर ऐसी कोई भ्रांति फैलाते हैं तो उससे भी हम लोगों को बचना चाहिए। ऋषभ ये बताइए कि जैसे हालात भी सही नहीं है, अब ये जो डिमांड कर रहे थे अकोमोडेशन की डिमांड कर रहे थे, तो अब क्या व्यवस्था की है आपने? जी, कल रात को भी अकोमोडेशन हमारे पास था, हमारे पास कल रात को 12 कमरे स्कूल के अंदर खाली रहे, और उसके बाद भी यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया कि, और वो भी अगर आप देखें हमारे पास 2400 लोग थे, प्रोटेस्ट करने वाले 12 लोग थे, तो इस चीज़ को हमको समझना चाहिए कि ये क्यों किया गया और कैसे किया गया, तो इस चीज़ में आप मुझे लगता है बेहतर समझ पाएंगे। और इस चीज़ में हम लोग, और कुछ दिन पहले जब यहाँ पर माननीय उपराज्यपाल महोदय जी का जो दौरा था उसके अंदर उन्होंने भवन की स्वीकृति भी की है यात्री निवास की, तो आने वाले समय में सारी सुव्यवस्थाएं हमारी सुचारू रूप से चलेंगी, लेकिन तब तक के लिए हम सब लोगों को इकट्ठा होकर यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी।